हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ डोमिनोज में मिलने वाला पिज्ज़ा, जो कि सबका फेवरेट होता है। इसको बनाने के लिए जो मैं टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, उनको आप ज़रूर फॉलो करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में आधा कप गुनगुना पानी डाल देंगे। ध्यान रहे ज़्यादा गर्म पानी यूज़ ना करें, और साथ ही इसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच ईस्ट और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ईस्ट हमारा अच्छे से एक्टिव हो चुका है। अब हम इसमें 2 कप मैदा डाल देंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और टेस्ट के लिए आधी छोटी चम्मच इसमें ऑरेगानो डाल देंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। और लास्ट में इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर डालने से फ्रेंड्स हमारा पिज्ज़ा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। सॉफ्ट डो लगाकर मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसको 4 घंटे के लिए किसी गर्म कपड़े से ढककर गर्म जगह में रख देंगे, ताकि अच्छे से ये फर्मेंट हो जाए, यानी कि फूल के डबल हो जाए। 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। ये देखिए डो हमारा अच्छे से फूल चुका है, ये साइज़ में डबल हो चुका है। पिज़्ज़ा का ये डो जितना अच्छा फर्मेंट होगा, पिज़्ज़ा हमारा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब हम पिज़्ज़ा के लिए बेस रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मक्की का आटा लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा छिड़क देंगे। यहाँ पर मैं बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। इसके लिए हम सारे आटे की बड़ी सी लोई बना लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और दोनों हाथों से इसको इस तरीके से फैला लेंगे। जैसे हम चपाती रोल करते हैं वैसे हम इसको रोल कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। अब हम इसको पिज़्ज़ा ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये पिज़्ज़ा ट्रे है, इसको हम बटर से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट चाहिए तो आप इसमें बटर ही अप्लाई करें, नहीं तो आप सूखा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें पिज़्ज़ा बेस डाल देंगे और इसको हाथों से अच्छी तरह फैला देंगे। अब हम इसमें कांटे से छेद कर देंगे, ताकि ओवन में पिज़्ज़ा हमारा फूले ना। अब हम इसकी स्टफिंग कर लेंगे। इसकी स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, थोड़ी सी येलो शिमला मिर्च, थोड़ी सी रेड शिमला मिर्च, थोड़ी सी ग्रीन शिमला मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़े से स्वीट कॉर्न्स, थोड़े से ब्लैक ओलिव्स, थोड़ा सा पनीर। यहाँ पर मैं बीबा ब्रांड की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच हम इसके ऊपर डाल देंगे, और साथ ही इसमें 1 चम्मच शेजवान चटनी डाल देंगे और 2 चम्मच इसमें टमाटर सॉस डाल देंगे। अब हम सारी सॉस को इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे।
सॉस फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चीज़। यहाँ पर मैं अमूल की मोजरेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब हम सारी चीज़ों से इस तरह से इसको डेकोरेट कर लेंगे। सारी चीज़ों से मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और डाल देंगे। अब ये पिज़्ज़ा हमारा बेक करने के लिए रेडी है। ओवन को मैंने पहले से ही 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट होने के लिए लगा दिया था। ये अच्छे से प्री हीट हो चुका है। ओवन में डाल देंगे अब हम पिज़्ज़ा और इसको 20 मिनट के लिए हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको बेक कर लेंगे। इसको चेक करते रहें, अगर आपको लगे कि पिज़्ज़ा आपका अच्छे से पक चुका है तो इसको जो आपने टाइमर लगा रखा है उससे पहले भी आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए आप किसी कपड़े या ग्लव्स का यूज़ करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसके ऊपर आप थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डाल लें। पिज़्ज़ा कटर से अब हम इसको काट लेंगे। ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा लग रहा है ना सेम डोमिनोज जैसा। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है। मेरी रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।